गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट प्रीडेशन। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म मीन्स परजीविता। इट इज़ अ मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज विच इज़ कॉल्ड पैरासाइट डिपेंड ऑन अदर स्पीसीज फॉर फूड एंड शेल्टर। शेल्टर इज ए प्लेस फॉर लिविंग, रहने की जगह को शेल्टर बोला जाता है। पैरासाइट इज बेनिफिटेड, होस्ट इज बींग हार्म। यहाँ पे भी वही रिलेशन आएगा, प्लस माइनस। नेक्स्ट आता है एडेप्टेशंस ऑफ पैरासाइट्स। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन है जिनकी उनको नीड नहीं है उन सबका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। दे हैव हुकर्स एंड सकर्स फॉर क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मीन्स बोलते हैं अटैचमेंट, या फिर ऐसे समझ सकते हैं चिपकने के लिए, जो उनका होस्ट है उससे अटैच होने के लिए उनमें हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें नहीं होता है। उसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। उसके अलावा द लाइफ ऑफ पैरासाइट्स इन्वॉल्व वन और टू इंटरमीडिएट्स होस्ट। ऐसा नहीं है कि जो पैरासाइट है उसकी लाइफ एक ही होस्ट से कंप्लीट हो जाती है, उसको एक होस्ट भी चाहिए होता है, कभी कभी दो होस्ट भी चाहिए होता है। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है। होस्ट उसको बोल रहे हैं कि ये जिसको इफेक्ट करेगा, जिसको ये नुकसान पहुँचाएगा। जैसे कि ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, दो होस्ट पर डिपेंड है, एक है स्नेल दूसरी है फिश। जैसे कि आप जानते हैं मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसको नीड होती है एक मॉस्किटो की, और उसके जिसके थ्रू वो किसको इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन को। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, जो होस्ट होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा वो कम कर देते हैं किसको, उसके सर्वाइवल के चांस को, ग्रोथ को, यहाँ तक कि जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको भी। दे रिड्यूस, जो होस्ट है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के दो टाइप हैं, एक है एक्टो पैरासाइट, एक है एंडो पैरासाइट। एक्टो मीन्स जो आउटसाइड मिलेंगे, एंडो मीन्स जो क्या होगा, इनसाइड मिलेंगे। पैरासाइट का मतलब है कि जो दूसरे पे डिपेंड है, परजीवी बोला जाता है इनको हिंदी में। एक्टो पैरासाइट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड है, उसके बाहरी सतह पर, एक्सटर्नल सरफेस पे। किसके लिए, फूड एंड शेल्टर। किसके लिए, फूड एंड शेल्टर। सबसे पहली ज़रूरत है उनको फूड चाहिए, उसके साथ साथ दूसरी ज़रूरत क्या है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कसकटा, अमरबेल है, बहुतों ने देखी भी होगी। ये क्या करती है, किसी भी एक प्लांट पे इसको जैसे ही डाल दिया जाता है तो ये बहुत फास्टली ग्रो करती है और सीधा पेनिट्रेट हो जाती है प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में, जो आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिसकी वजह से जितना भी प्लांट का न्यूट्रिशन है ये उसको एब्जॉर्व करेगी। प्लांट धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा और जो कसकटा है, अमरबेल है, उसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है लाइस ऑन ह्यूमन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ के हेयर्स में जू प्रेजेंट होती हैं, उनको ही लाइस बोला जाता है। ये सब क्या है, एक्टो पैरासाइट, बाहरी परजीवी हैं। एंडो पैरासाइट, जो पैरासाइट है वो क्या है, दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन ये क्या है, जो होस्ट है उसकी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होंगे। कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसकी किडनी पे, लिवर पे, लंग्स पे, यहाँ तक कि आरबीसी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं फूड और शेल्टर के लिए, जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया पैरासाइट है। देखिए इसका एक और एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, ये मेनली जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है आपका जो कोयल होती है। कोयल लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। होस्ट बिहेव एज ए बेबी स्टर। उसके अलावा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ पैरासाइट बर्ड हैव इवॉल्व टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज टू रिड्यूस चांसेज ऑफ होस्ट वर्ड डिटेक्टिंग फॉरन एग्स एंड इजेक्टिंग दैम फ्रॉम नेस्ट। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो एग्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए साइज में और कलर में, जिससे कि उनके डिटेक्ट होने के, उनकी पता चलने के कि ये भारी हैं, मतलब ये दूसरी जगह से आए हैं, फॉरनर्स होते हैं, जैसे आप जानते हो विदेशी से आते हैं, जो विदेश से आते हैं। डिटेक्टिंग फॉरनर एग्स एंड इजेक्टिंग, मतलब उनको
उस जगह से बाहर निकाल देना, जो घोंसला होता है उससे उनको बाहर निकाल देना। इससे बचने के लिए वो कैसे होंगे, साइज और कलर में कैसे रहेंगे सेम। ये भी क्या है, पैरासिटिक, मतलब क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। एग्जाम्पल है कोयल एंड क्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।